इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर जीवात्मा का एक टाइम है कि वो भक्ति में कब जुड़ेगा, नहीं तो हमारे उसके पास जाने से क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका। हम किसी के पास क्यों जाएं, है ना? तो हम जाए इसलिए रहे हैं क्योंकि उसका टाइम आ गया है, नहीं? भगवान चाहते हैं कि उस पर कृपा हो, इसलिए भगवान ने आपके हृदय में प्रेरणा जागृत कर दी कि आप जाओ और जाके उसको प्रीचिंग करो। भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता चा, मैं हर चीज देख रहा हूं और हर चीज मेरी अनुमति से हो रही है, मेरी सहमति से हो रही है। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, आपको ऊर्जा मैं दे रहा हूं, आपको प्रेरणा मैं दे रहा हूं, आप जाके प्रीचिंग करो। तो अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो आप ये जानो आप अपनी इच्छा से नहीं जा रहे, आपका प्लान नहीं है। निमित्त मात्र भव सभी साचिन, आप तो निमित्त हो, प्लान कृष्ण का है, कृष्ण ने आपको भेजा है। और जितना आप प्रीचिंग करने में उत्साह दिखाओगे, कृष्ण उतने ही लोगों के पास आपको भेजने की आपको प्रेरणा देंगे। इसीलिए तो आप देखो बहुत सारे भक्त होते हैं वो हजारों लोगों को जाके संपर्क में आते हैं, क्योंकि उनमें प्रीचिंग की भावना है। पूरा इस्कॉन जो है वो गोष्ठियानंदी, हम लोग गोष्ठियानंदी हैं, प्रभुपाद गोष्ठियानंदी हैं। प्रभुपाद चाहते हैं कि हम जगह जगह जाएं, क्योंकि भगवान इस्कॉन के हर भक्त को प्रेरणा दे रहे हैं, अरे जाओ जाके उसको भी अपने जैसा बना लो, जाओ जाके उस भक्त को भी, उस व्यक्ति उस जीवात्मा को, उसका टाइम आ गया भैया, आप जाओ जाके उसको भी भक्त बनाओ, उसके हाथ में भी माला पकड़ा दो।